लाइव साइट विजिट पर मैं सोनिका आज आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ। 300 गज का कॉर्नर विला आपके लिए लेकर आई हूँ। लोकेशन की मैं बात करूँ, काफ़ी प्राइम लोकेशन आपकी रहने वाली है, मोहाली सेक्टर 79 नियर टू एयरपोर्ट रोड। तो मैं आपके कॉर्नर विला की आपको एक खास बात बता दूँ, टू एंट्री आपको यहाँ मिलने वाली है, एक फ्रंट एंट्री आपको मिल जाएगी, एक बैक एंट्री आपको मिल जाएगी। फ्रंट एलिवेशन की मैं बात करूं, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन यहां पे किया गया है, टफन ग्लास विद वुडन वर्क यहां पे किया गया है। गेट आप देख सकते हैं, आयरन गेट यहां पे आपको मिल जाएगा। सेफ्टी पर्पस के लिए आपको काफ़ी अच्छी ग्रिलिंग का यूज़ किया गया है। वॉर्म एरिया की मैं बात करूं तो काफ़ी वाइड एरिया आपको यहाँ मिल जाएगा। ग्रे नाइट मार्बल के साथ आपको डिफरेंट डिज़ाइन के साथ आपको वॉर्म एरिया मिल रहा है। सो आइए चलते हैं आपके विला की तरफ। दोस्तों अंदर आते ही आपका आ जाता है पार्किंग एरिया। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया आपका वॉर्म एरिया, तो कॉर्नर विला आपका रहने वाला है। एक गाड़ी बाहर भी आपकी आराम से पार्क हो जाएगी, एक गाड़ी आपके अंदर भी आराम से पार्क हो जाएगी। ग्रेनाइट मार्बल यहाँ भी यूज़ किया गया है काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन के साथ। हमें राइट साइड देख सकते हैं काफ़ी अच्छा विंडो यहाँ पे मेंटेन किया गया है। एल शेप में विंडो आपको मिल जाएगी, जिससे आपके घर में काफ़ी अच्छी सनलाइट आपको मिल जाएगी। इस एरिया की मैं बात करूँ, टू व्हीलर पार्किंग आप आराम से कर सकते हैं, साथ ही आपको गार्डन एरिया मिल जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ग्रीन एरिया, तो आप इसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्क आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, साथ ही आप झूले लगा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। आप यहाँ पे शाम को काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, अपनी टी कॉफ़ी अपने फ्रेंड के साथ आप यहाँ पे छोटी पार्टी कर सकते हैं। कॉर्नर विला आपका रहने वाला है, तो ग्रीन पार्क आपका एंड तक रहने वाला है। कॉर्नर विले का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता दूँ, 100 फीट की रोड आपकी रहने वाली है, साइड में आपको कोई भी घर नहीं मिलने वाला, आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहने वाली है। वेंटिलेशन ऑफ लाइटिंग काफ़ी अच्छी आपके घर में मिलने वाली है। फर्स्ट बेडरूम की विंडो आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी वाइड विंडो आपको यहाँ पे मिल रही है। टाइल्स की मैं बात करूँ तो 3 टाइल्स यहाँ पे आपको मिल रही हैं, ब्राउन कलर, स्टोन वर्क और इटालियन टाइल्स का यूज़ यहाँ पे किया गया है। डाउन सीलिंग की मैं बात करूँ, वुडन वर्क के साथ डाउन सीलिंग आपको मिल रही है, कॉब लाइट्स का यूज़ किया गया है। सो आइए चलते अपने विला की ओर। आप देख सकते हैं टू एंट्री आपको यहाँ पे मिलने वाली है, एक आपके सर्वेंट रूम के लिए, जैसे कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। सो आइए चलते अपने विला की ओर। दोस्तों एंटर करते हैं, हमारा आ जाता है ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया से पहले मैं आपको बता दूं, ऊपर की तरफ डाउन सीलिंग काफ़ी अच्छी की गई है, कॉब लाइट्स का यूज़ भी काफ़ी अच्छे से किया गया है। मेरे राइट साइड पे आप वॉल देख सकते हैं, आप इसमें पेंटिंग लगा सकते हैं, अपनी तरफ से आप जैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने ड्राइंग एरिया में। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। वेंटिलेशन ऑफ लाइटिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बाहर भी बताया, काफ़ी वाइड विंडो यहाँ पे दी गई है, आपके घर में लाइट की कमी नहीं होगी। एलईडी पैनल के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे वॉल दी गई है। डाउन सीलिंग की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं, कॉब लाइट यूज़ की गई है, एसी की डक्टिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। 8 to 10 सीटर आप सोफ़ा आराम से लगा सकते हैं, साथ ही आप देखेंगे काफ़ी वाइड विंडो आपको यहाँ पे मिल रही है, जैसे आपका लॉन्ज एरिया आपको दिख जाएगा। सो दोस्तों चलते हैं आप अपने लॉन्ज एरिया की तरफ। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 5 सीटर सोफ़ा आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं, आप उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, तो अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ पे मूवी इंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा LED पैनल यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। स्टोरेज आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। डाउन सीलिंग की मैं बात करूँ, यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन के साथ डाउन सीलिंग आपको मिल रही है। अटैच बॉडरूम आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा टाइल्स का यूज़ यहाँ पे किया गया है, काफ़ी अच्छी ब्रांडेड फिटिंग यहाँ पे यूज़ की गई है। तो चलते अब आपके डाइनिंग एरिया की तरफ। डाइनिंग एरिया की मैं बात करूँ, 12 सीटर डाइनिंग टेबल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। डाउन सीलिंग आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी की गई है। डाइनिंग एरिया के सामने आपका रहेगा किचन, आप देख सकते हैं यू शेप में डिज़ाइन किया गया है आपका किचन, काफ़ी अच्छे हाइड्रोलिक कैबिनेट यूज़ किए गए हैं यहाँ पे।
इनमें होप की काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाएगी। कलर थीम की मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छी टाइल्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं, मार्बल काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, साउंड प्रूफ सिंक आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, वेंटिलेशन ऑफ लाइटिंग के लिए काफ़ी बड़ी विंडो आपको मिल जाएगी, डाउन सीलिंग आपको काफ़ी डिफरेंट मिल रही है, कोब लाइट्स के साथ, सॉफ्ट क्लोजर के साथ कैबिनेट्स आपको मिल जाएंगे, माइक्रोवेव अवन की आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल रही है, स्टोरेज के लिए आप देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मिल जाएगी, रेफ्रिजरेटर के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल रही है, डाइनिंग एरिया के साथ ही आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड एरिया में विंडो आपको यहाँ पे मिल रही है, और बैकयार्ड तो चलते हैं अपने बैकयार्ड की तरफ, आ चुके हैं हम अपने बैकयार्ड में, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ मिल जाएगी, वॉशिंग एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है, मेरे बैक साइड आप देख रहे हैं आपको गेट दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको फ्रंट में बताया था आपके घर की 2 एंट्री रहेंगी, तो पार्किंग आप यहाँ पे एक बड़ी गाड़ी की पार्किंग कर सकते हैं, आपको पार्किंग के रिलेटेड कोई भी इशू नहीं रहने वाला। तो आइए चलते हैं अब आपके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, तो आइए चलते हैं आपके बेडरूम की तरफ, थोड़ा सा मैसी है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एलईडी पैनल के लिए यहाँ पे स्पेस दी गई है, वेंटिलेशन ऑफ लाइटिंग के लिए काफ़ी वाइड विंडो आपको यहाँ मिल जाएगी, डाउन सीलिंग काफ़ी अच्छी की गई है, कोब लाइट्स के साथ वॉल टू वॉल वार्डरोब्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ मिल जाएगी, ड्रेसिंग एरिया आपका यहाँ रहने वाला है, मिरर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, स्टोरेज के लिए भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस है, वार्डरोब आपको यहाँ भी मिल रही है, अटैच वॉशरूम आपको मिल जाएगा, वॉशरूम आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिलने वाली है, ब्रांडेड फिटिंग आपको मिल रही है विद मिरर, टाइल्स का यूज देख सकते हैं आपको काफ़ी अच्छे टाइल यहाँ पे मिल जाएंगी, बार एरिया बना सकते हैं, साथ ही आप इसको अपना स्टोर रूम भी बना सकते हैं, स्टेयर्स की मैं बात करूं वुडन विद टफन ग्लास का यूज यहाँ पे किया गया है, तो आइए चलते हैं, एंटर करते ही हमारा ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा, तो मैं बता दूं ये सेकंड बेडरूम है, आप इसको अपना गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हैं, काफी अच्छा मिरर यहाँ पे दिया गया है, स्टोरेज भी काफी अच्छी आपको मिल जाएगी, साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेस आपको मिल रही है, ब्रांडेड फिटिंग आपको यहाँ मिल रही है, गीजर आपको यहाँ पे लगा हुआ मिल जाएगा, डाउन सीलिंग आपको काफी अच्छी मिल रही है, काफी बड़ा बेड आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वॉल टू वॉल वार्डरोब आपको यहाँ मिल जाएगी, काफी ज्यादा स्पेस आपको यहाँ मिलने वाली है, एलईडी पैनल के लिए आपको काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है, डाउन सीलिंग काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है विद कोब लाइट्स के साथ, वेंटिलेशन ऑफ लाइटिंग के लिए आपको मैंने बाहर से पहले भी विंडो दिखाई थी, काफ़ी अच्छी सनलाइट आपके बेडरूम में आएगी, सो आइए चलते हैं अब आपके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, सो चलते हैं अब आपके फर्स्ट फ्लोर पे, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मार्बल यहाँ पे यूज़ किया गया है, विंडो आप देख सकते हैं टफन ग्लास के साथ, काफ़ी बड़ी वाइड विंडो आपको यहाँ पे मिल रही है, काफ़ी अच्छा व्यू आपको दिखने वाला है आपके फर्स्ट फ्लोर से, आप ऊपर देख सकते हैं शैंडलियर की स्पेस आपको दी गई है, तो आ चुके हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे, आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड एरिया आपको यहाँ मिल रहा है, आप अपना लॉन्ज एरिया यहाँ बना सकते हैं, ऊपर आप देखें काफ़ी अच्छी डाउन सीलिंग यहाँ पे की गई है, कोब लाइट का यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन रहने वाला है, काफ़ी अच्छी आप देख सकते हैं ओपन किचन आपको यहाँ मिल रहा है, इस काउंटर की मैं बात करूँ काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज आपको यहाँ मिल जाएगी, सॉफ्ट क्लोजर के साथ कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाएगी, एक छोटा किचन आपको यहाँ मिल जाएगा, सॉफ्ट क्लोजर के साथ कैबिनेट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, गीजर आपको मिल रहा है, साउंड प्रूफ सिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, वेंटिलेशन ऑफ लाइटिंग के लिए विंडो आपको यहाँ मिल रही है, डाउन सीलिंग काफ़ी अच्छी की गई है,
साथ ही आपको अटैच बालकनी मिलने वाली है। आपकी फ्रंट बालकनी ये रहने वाली है, आप देख सकते हैं काफी वाइड एरिया इसका रहने वाला है। टफन ग्लास इसमें यूज किया गया है। डाउन सीलिंग की मैं बात करूँ, वुडन वर्क के साथ डाउन सीलिंग का यूज किया गया है। कोब लाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। वॉल आप देख सकते हैं स्टोन टाइल्स का यूज यहाँ पे किया गया है। काफी अच्छा व्यू आपको यहाँ पे दिखने वाला है। काफी वाइड विंडो आपको मिल रही है वेंटिलेशन ऑफ लाइटनिंग के लिए, जो कि आपके बेडरूम के साथ अटैच है। आप अपनी फैमिली के साथ टी कॉफी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, अपना टेबल लगा के यहाँ पे। तो आप स्टेयरकेस देख रहे हैं, वो आपके सर्वेंट रूम के साथ अटैच रहेंगी। सो आइए चलते हैं आपके थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके फर्स्ट फ्लोर की टू एंट्रेंस रहने वाली हैं, एक आपके घर के अंदर से, एक आपके घर के बाहर से। तो चलते हैं, साथ ही आपको स्टोर रूम यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको अपना पूजा घर भी बना सकते हैं। आइए चलते हैं अब बेडरूम की तरफ। आ गए हम अपने थर्ड बेडरूम में। काफ़ी स्पेशियस आपका थर्ड बेडरूम रहने वाला है। डाउन सीलिंग की मैं बात करूँ, काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। वॉल टू वॉल वार्डरोब्स आपको यहाँ मिल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ मिल जाएगी। अटैच आपको ड्रेसिंग एरिया यहाँ मिल रहा है। मिरर आपको यहाँ मिल रहा है, स्टोरेज आप काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको वार्डरोब यहाँ पे मिल रही है। अटैच वॉशरूम आपका यहाँ रहने वाला है। वॉशरूम की मैं बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपके वॉशरूम में आपको मिल जाएगी। वेंटिलेशन ऑफ लाइटनिंग के लिए विंडो आपको यहाँ मिल रही है। गीजर आपको यहाँ पे मिल रहा है। ब्रांडेड फिटिंग आपको यहाँ मिल जाएंगी। मिरर आप देख सकते हैं आपको मिल रहा है। बालकनी आपको यहाँ मिल जाएगी। विंडो की मैं बात करूँ, काफी वाइड विंडो आपको मिल रही है। वेंटिलेशन ऑफ लाइटिंग, तो काफी अच्छी सनलाइट आपके बेडरूम में रहने वाली है। ये बालकनी आपके फोर्थ बेडरूम के साथ भी अटैच है। सो चलते हैं अब आपके फोर्थ बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेस आपको यहाँ मिलने वाली है। वॉल टू वॉल वार्डरोब्स आपको मिल रहे हैं, काफी ज्यादा स्पेस आपको यहाँ मिलने वाली है। फॉल सीलिंग आपको काफ़ी अच्छी यहाँ मिल जाएगी। साथ में वेंटिलेशन ऑफ लाइटिंग के लिए विंडो आपको मिल रही है। अटैच बालकनी आपकी यहाँ पे रहेगी। काफ़ी अच्छा व्यू आपको मिलने वाला है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपकी रहने वाली है। वॉशिंग एरिया भी आपको यहाँ मिल जाएगा। अटैच वॉशरूम आपको मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाएगी। टाइल्स वर्क आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। ब्रांडेड फिटिंग आपकी रहने वाली है। गीजर आपको यहाँ मिल रहा है। वेंटिलेशन ऑफ लाइटिंग के लिए काफ़ी अच्छी विंडो आपको यहाँ मिल रही है। सो आइए चलते हैं आपके फिफ्थ बेडरूम की तरफ। एंटर करते ही आपका ड्रेसिंग एरिया आप देख सकते हैं। फुल लेंथ मिरर आपको यहाँ मिल रहा है। स्टोरेज के लिए आपको काफी अच्छा कैबिनेट यहाँ पे मिल रहा है। अटैच वॉशरूम आपका रहने वाला है। काफी ज्यादा स्पेस आपको मिलने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया एज इट इज। गीजर भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। ब्रांडेड फिटिंग आपको मिल रही है। वेंटिलेशन ऑफ लाइटनिंग के लिए विंडो आपको मिल रही है। मिरर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वॉल टू वॉल वार्डरोब्स आपको यहाँ मिल रही हैं। स्टोरेज के लिए काफी ज्यादा स्पेस आपको यहाँ मिलने वाली है। डाउन सीलिंग आप देख सकते हैं कोब लाइट्स के साथ मिल रही है। वेंटिलेशन ऑफ लाइटनिंग के लिए काफी वाइड विंडो आपको यहाँ मिल जाएगी, जिससे आपके बेडरूम में काफी ज्यादा सनलाइट आपको मिलेगी। सो आइए चलते हैं अब आपके सर्वेंट रूम की तरफ, जो कि सेकेंड फ्लोर पे आपका रहने वाला है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ मिल जाएगी। ग्रिल का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। मार्बल की मैं बात करूँ, ग्रेनाइट मार्बल यहाँ यूज़ किया गया है। तो चलते हैं आपके सर्वेंट रूम की तरफ। आ चुके हम अपने सेकंड फ्लोर
सकते हैं, आपकी स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ मिल रहा है, आपको सर्वेंट रूम आपका यहाँ रहने वाला है। बात करूं, काफी वाइड एरिया आपका रहने वाला है, ओपन एरिया आपको मिल जाएगा, आप कैसे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखा आपने हमारा 300 गज का लग्जरी विला, आई होप आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। लोकेशन की मैं बात करूं तो प्राइम लोकेशन आपकी रहने वाली है मोहाली 79 सेक्टर, नियर टू एयरपोर्ट रोड। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अगली वीडियो में आपको मिलती हूँ। थैंक यू।